वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है सोमवार और सावन का सोमवार और आज है सावन के सोमवार का मेरा व्रत। तो आज हम करेंगे शिव जी भगवान की पूजा, शिवलिंग का रुद्राभिषेक। घर में हम लोग कैसे पूजा कर सकते हैं, कैसे हम करते हैं, तो आज मैं ये अपनी पूजा शेयर करूंगी आपके साथ। तो घर में रुद्राभिषेक करने के लिए क्या क्या हमें तैयारी करनी है चाहिए और क्या क्या हमारे पास सामान होना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी अपने इस वीडियो में। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की है और क्या क्या हमें सामान की रिक्वायरमेंट होती है रुद्राभिषेक के लिए। रुद्राभिषेक के लिए हमें चाहिए दूध, ये इसमें दूध है, और ये है जल और गंगा जल, इसमें केसर मिला हुआ, और ये दही, और ये हमारा पंचामृत, और ये साथ में मिश्री, शहद और फल शिवजी भगवान जी को अर्पण करने के लिए। ये जो दूध, दही और पंचामृत और ये केसर गंगा जल है, इनसे हम शिवजी भगवान को, शिवलिंग को स्नान कराएंगे, और ये सब उन फूल पत्तियां उनको अर्पण करने के लिए, बेलपत्र और ये आकड़ा जिसको बोलते हैं आकड़ा के फूल, भांग, कनेर के फूल, तो ये सारी चीजें चाहिए होती है रुद्राभिषेक के लिए। तो ये सब मैंने तैयारी करके पहले ही रखी थी, अभी मत ये मैंने परात ली है और ये मेरे पूजा में शिवलिंग भगवान जी, तो इनका रुद्राभिषेक करने के लिए ये परात है, इसमें मैं इनको रख करके स्थापित करके अब इनका रुद्राभिषेक होगा। तो रुद्राभिषेक स्नान कराने के लिए आप कोई भी इस तरह का बर्तन ले सकते हैं जिसमें स्नान आदि इनको करा दिया है। सबसे पहले इसको मैंने इसमें रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने बाकी जो भी सारे भगवान हैं उनको तिलक लगाएंगे। रुद्राभिषेक के समय आपके पास शिवजी शिव परिवार की एक फोटो होनी भी जरूरी है। मेरे पूजा में शिव परिवार की फोटो है, इसमें शिव जी, पार्वती जी, नंदी जी और ये कार्तिक, गणेश जी, इसमें सब है। ये मेरी पूजा में शिव परिवार का फोटो है। तो सबसे पहले इनको हम तिलक वगैरह लगाएंगे शिव परिवार को और अपने बाकी सभी पूजा में जितने भी हमारे भगवान जी हैं। ये मेरी दुर्गा माता, इनको तिलक। शिव जी को हमेशा पीला या फिर सफेद चंदन का तिलक लगाया जाता है। मेरे पास ये पीले चंदन है। बाकी देवी को रोली तिलक। चलो बस हमने तो चलिए शिव जी का रुद्राभिषेक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चढ़ाएंगे बेलपत्र, उसके बाद जल जिसमें गंगा जल मिला हुआ है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, उसके बाद दूध, फिर दही। अगर आपको कोई और विशेष मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का ही जाप करें। इसके बाद फिर अब हम पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराएंगे। फिर शहद, केसर मिला हुआ जल, ये शिव जी को बहुत प्रिय है। अब हम फूल चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद जल से हम स्नान कराएंगे और फिर उसके बाद एक साफ कपड़े से पोंछ करके शिवलिंग को एक प्लेट में स्थापित कर देंगे पूजा में अपनी। अब हम इनको चंदन तिलक लगाएंगे। शिव जी को हमेशा चंदन तिलक ही लगाया जाता है, इनको रोली का तिलक नहीं लगाया जाता। अब हम इसके बाद इनको बेलपत्र चढ़ाएंगे, ये धतूरा के फूल, भांग, कनेर के फूल,
ये सब फूल पत्तियाँ शिव जी को बहुत प्रिय हैं। और इसके बाद फल इत्यादि और मिश्री का भोग हम लगाएंगे और इनको हम अब दीप धूप ये सब दिखाएंगे। तो इस तरह से शिव लिंग का रुद्राभिषेक हुआ संपन्न। आप कितनी आसानी से घर पे इसको कर सकते हैं। सावन में इसको एक बार ज़रूर करना चाहिए। तो हमारा रुद्राभिषेक हुआ यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हर सोमवार को हवन भी कर लेते हैं साथ साथ। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप हवन करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। हमें तो हवन करना बहुत पसंद है और हम हर सोमवार को पूजा रुद्राभिषेक के बाद हवन करते हैं। ये देखो प्रीशा पूरी हेल्प करा रही है, इसको बहुत शौक लगा हुआ है आजकल हवन का। सारी लकड़ियाँ उठा करके यही ला के रखती है आम की। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हवन करने से क्या होता है कि आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है। हवन बहुत ही हिंदू शास्त्र में बहुत ही अच्छा बताया जाता है नेगेटिव एनर्जी को घर से दूर भगाने के लिए। तो हम लोग हवन हमेशा करते रहते हैं। तो अब हमारे हवन कंप्लीट होने के बाद हम लोग कर रहे हैं आरती और प्रीशा बार बार कैमरे के सामने आपके कैमरे में देख रही है। छोटा बच्चा अगर घर में हो तो थोड़ा सा रहता ही है इस तरह का। ये कभी हमारे पास आ रही है, कभी जा रही है, कभी बैठ रही है, कभी इधर उधर घर में घूम रही है। पूजा के साथ साथ हमें इस पर भी पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है। बहुत सारा भगवान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपना ब्लॉग करते हैं एंड के। बाय बाय, टेक केयर।